ये बात कही आपने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अगर कुछ समय। लेकिन मैं आपकी हालत समझ रही हूँ श्रीवास्तव जी, और आप परेशान ना हो, आप आराम से घर जाके सोचकर हमें बता दीजिए। हम भी ये नहीं चाहते कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें, और अगर किसी बात पे आपको इनकार करना पड़े तो आप झिझकिएगा मत। इससे हमारे पहले के रिश्ते बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, हमारा वादा है। आभार आपका भारती जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं उनको फोन करके कह दूंगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बड़ी जल्दी आ गए। ए गुरुजी महाराज, कहीं नौकरी तो नहीं उजड़ गई तेरी? मैं आज काम पर गया ही नहीं। तो फिर सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ? मंजू, आज भारती जी ने अपने बेटे विहान के लिए हमारी बेटी परी का हाथ मांगा। गुरुजी ने ही ये सब बिठाया है। तुम लोग मेरी पूरी बात सुन तो लो। अभी बात पक्की हुई नहीं है, मैंने कहा कि हम सोच के बताएंगे। अरे गुरुजी महाराज ने तुझे वरदान दिया है और तू सोच रहा है कि लूं कि ना लूं? अरे बेटा, लड़कियों का बाप पगड़ी हाथ में लेके घूमता है और ढूंढता है कि कोई मिल जाए तो उसके पैरों में पगड़ी रख के उससे उसका बेटा मांग ले, और तू सोचने की बात कर रहा है? माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहाँ वो लोग और कहाँ हम लोग? उन्हीं के मेहरबानी से तो हमारे घर में रोटी आती, और मैं उन्हीं के घर में हमारी बेटी ब्याह के भेज दूँ? जब भारती जी इस बात को तूल नहीं दे रही हैं, तो आप क्यों इस बारे में सोच रहे हैं? देखिए, भारती जी ने खुद अपने लड़के के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा है। माना कि आज हमारी हैसियत उनके बराबर नहीं, लेकिन किसी जमाने में हम भी उनकी बराबरी के थे। जितना खर्च उनकी हवेली बनने में आया होगा, उससे कहीं ज्यादा कीमत लगी होगी हमारा दीवान खाना बनने। मंजू, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत बनी रहे। कल को रिश्ता हो जाने के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो मेरे जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत उन्हीं रिश्तों के नीचे दबी दबी सांस लेती नजर आएंगी। लेकिन आप उस बात बस मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह मैं उनको फोन करके कह दूंगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
वरना ये तो घर आई खुशियों को लौटा देगा। देख, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आज आपके पास कुछ समय हो तो आप घर आ जाइए, खाते खाते बात भी हो जाएगी और आप परी को भी देख लीजिएगा। मैं हिंदुस्तान